أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فقال الله تبارك وتعالى:

दरूदों का नज़ूल हो रसूलुल्लाह रसोल्ला सल्ह वसल्लम पर और उनके अब पर और जिन्होंने इनकी तबाही उन पऱियामत तक के लिए और अल्लाह आप सल्लल्लाहु सल्लह वसल्लम को रहमत बनाकर कर मबूस किया हुआ है और मैं अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताल जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमी जन्नतफ़िरदोस में जमा करें आमीन या रब्ल आमीन जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान की इन मुबारक रातों में जिस मौजू का हमने इंतख किया है उसका नाम है तारीख़ क़ुरान हमने इस मौजू में मुख्तल पहलुओं को डाल दिया है कभी हम शख्सियात को लेकर गुफ्तु करते हैं अब तक हमने कुरान से जुड़ी हुई कई एक शख्सियतों की ज़िंदगी आपके सामने पेश कर दी है और कभी हम इन मौजुआत को लेकर इलमी गुफ्तु करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं और हमारा ये यकीन है कि इन मौजुआत का ताल्लुक़ चूँकि कुरान से है तो इसे हर फर्द को इसके बारे में कम अज़ कम थोड़ा बहुत एक ब्रैक बैकग्राउंड ही क्यों ना हो उसकी उसे वाक़ियत होनी चाहिए और हमने क़ुरान को लेकर बहुत सारी वाक़ात भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की तो हमने इन तीनों पहलुओं को जोड़ कर आपके सामने इस मौजू को लाने की कोशिश की है तो आज हम इस मौजू को लेकर एक शख्सियत पर गुफ्तु करने वाले हैं अब तक देखिए हमने कुरान से जुड़ी हुई कई शख्सियतों में जैद बिन साहब को हमने देखा और उसके बाद जिस सहाबी का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हदीस की किताबों मेंईमान मुफसरिन ने जब भी कुरान का जिक्र आता है उस शख्सियत को जोड़कर बैन करते हैं ऐसे मालूम होता है कि कुरान की कोई बात इस शख्सियत के बगैर मुकम्मल नहीं होती आप हदीस की किताबें पढ़िए तफसीर की किताबें देखिए तो इस शख्सियत का जिक्र बार बार आएगा बल्कि जैद बिन साबित रजील्न जिनका जिक्र हो चुका है वो भी इनके शागिर्द रहे हैं जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस हस्ती का नाम है अब्दुल्लाह बिन मसरूद रजी अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मसऊ रजी ये बहुत बड़े सहाबी गुज़रे हैं और इनका बहुत ही बड़ा मर्तबा रहा है और क़ुरान के ताल्लुक से ये बहुत ही मायानाज हस्ती रही है कुरान और अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसे मालूम होता है तारीख़ी किताबों में एक दूसरे के लिए हैं कुरान का जिक्र आए तो अब्दुल्ला बिन मसूद का जिक्र तफसीर की किताबों में आना ज़रूरी हो जाता है इस बुलंद पाए ये हस्ती हैं तो चलिए इनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं ख़ास तौर पर इनका जो ताल्लुक कुरान से था क़ुरान से इनके कैसे हालात रहे क़ुरान से इनके कैसे ताल्लुकात रहे ये पूरी तफसील इंशाल्लाह आज के हम इस मजरस में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे अब्दुल्ला बिन मसूद बनु हुजैल से इनका ताल्लुक था बनु हुजैल वो कबीला है जो मक्के के आउटस्कर्ट्स में रहता था इनके इलाके आज भी मक्के में आबाद हैं आज भी इस कबीले के लोग उसी इलाके में रहते हैं तो ये जो हुज़ली कबीला है इससे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ील का ताल्लुक था और इनका लहजा क्रैशी लहजों में काफ़ी मशहूर लहजा था बड़ा प्यारा अंदाज होता है इनके गुफ्तु करने का और इनके अल्फाज इनके जुमले इनके कलिमात बड़े ही चीदा होते हैं बड़े ही मज़ेदार होते हैं तो बनो हुज़ैल से इस सहाबी का तल्लुक़ रहा और ये किताबों में अपनी माँ के नस्बत से ज़्यादा मशहूर हैं इन्हें लोग इबन उम अब्द कहते हैं इबन अब्द उम अब्द इनकी वालदा थी वो बन जहरा से उनका ताल्लुक था वो बन जहरा मशहूर कबीला क्रैश के शाखों में से एक शाख अब्दुल्ला बिन मसूद रजील वो आदमी हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं वो आदमी हूँ इन्नी रोई तूनी सादी सा कहते हैं कि मैं जब इस्लाम मैंने कबूल किया तो मेरा नंबर छठा था मुझसे पहले सिर्फ पांच ही लोग इस्लाम कबूल किए थे मुझसे पहले सिर्फ पांच ही लोग इस्लाम कबूल किए थे उनमें से एक ओबकर उसके बाद खदीजा उसके बाद अली उसके बाद उसका ज़िक्र नहीं है कि कौन है तो छिट्टे कहते हैं कि मेरा नंबर छिट्टा है और मैं जब इस्लाम कबूल कर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दारुल दारकम में नहीं गए थे यानी बिल्कुल शुरू के साल जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ किया उसी साल अब्दुल्ल बिन मसूद रजी अल्लाह इस्लाम कबूल करते हैं इनके इस्लाम कबूल करने का भी वाक़ बड़े मज़ेद का है लेकिन ये भी सुन लीजिए उससे पहले अब्दुल्ल् बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं कि सबसे पहला मेरा मुशाहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक बार हुआ जब मैं मेरे कबीले वालों के साथ मक्का गया और हम इस बार चूंकि तिजारत के लिए मक्के आते थे मक्के से सामान ले जाते अपने इलाकों में उसकी तिजारत करते थे तो अब अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं मेरे कबीले बनु हुज़ैल के साथ मैं जब बिल्कुल छोटा था तो मैं मेरे वालिद के साथ मेरे दूसरे रिश्तेदारों के साथ मक्के के वादी में आया था सामान खरीदने के लिए तो मेरे जो साथ थे उनमें से बाज लोग इत्र ख़रीदना चाहते थे तो लोगों से जब पूछा गया कि इसके मशहूर व्यापारी कौन है किन से हम ख़रीद सकते हैं तो लोगों ने कहा कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास जाइए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उनकी तिजारत जो थी वो इत्र फरोश थे इतर बेचते थे ये इनका धंधा था और कभी कभार कपड़े भी बेचते थे सहाबा में आप देखेंगे अक्सर सुबहानला हर सहाबी कोई ना कोई पेशे का रहा है बाह के पेश आप देखेंगे तो बड़े ताजुब हैं अब तलहा बिन रबल्ह जिनका ताल्लुक आशारा मुबशरीन से है जिन्हें नबी वम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दी ये इनका काम क्या था ये कबर खोदते थे कई एक साहबा थे उनमें से बास कारपेंटर थे उनमें से बास शप थे चरवाहे थे तो इनके काम जो है बिल्कुल मामूली हुआ करते थे आज के हिसाब से वरना उनके ज़माने में तो माशरे में एक अहम काम होता था तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के तरफ़ इशारा हुआ तो हम ढूंढते हुए अब्बास बिन मुत्तलिब के पास गए और हमारे लोग उनसे गुफ्तगू कर रहे थे इधर की बातचीत हो रही थी इतने में मैंने एक आदमी को देखा जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पीछे से गुज़र रहे थे उनके साथ एक नौजवान लड़का था और उनके पीछे एक पर्दापोश खातून थी ये जो साहब आए इनका चेहरा बड़ा ही मुनव्वर था गोरे रंग के थे चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमक रहा था दोनों हाथ बड़े बड़े आँखें बड़ी और आँखों में कालाई ज्यादा और ऐसे चल रहे थे गोया के वो कहीं से उतर रहे हैं और ये ना बड़े ऊंचे थे ना इनका जिक्र कद छोटों में शुमार होता है तो जब ये गुजर रहे थे तो मैं सुशदर होकर उन्हें देख रहा था तो लोगों ने पूछा अये ये साहब कौन है तो अब्बास जवाब देने से पहले हम उन्हें देख रहे थे कि वो हरम की तरफ जाते हैं और हरम में दाखिल हो के हजर असवद का इस्तेलाम करते हैं उसके साथ उनका जो लड़का था वो भी इस्तेलाम करता है उनके साथ जो उनकी औरत थी वो भी इस्तेलाम करती है उसके बाद काबे का तवाफ शुरू कर देते हैं तो अब्बास अब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हमसे कहा कि आप लोग इस आदमी को नहीं जानते तो लोगों ने कहा कि नहीं इतने में एक आदमी कबीले के आदमी ने कहा कि ये साहब कुछ अलग ढंग से इबादत कर रहे हैं ये साहब की इबादत का तरीका कुछ अलग है ये हम जैसी इबादत नहीं कर रहे हैं ये कौन सा यहाँ दिन है तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये साहब का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ये साहब का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उनके साथ जो उनका लड़का है ये इनके चचा का लड़का है इसका नाम अली बिन अबी तालिब है इनके साथ इनकी बीवी है जिनका नाम खदीजा बिन तिलिट ये तीनों ये दावा करते हैं कि ये जो दीन पर अमल कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा सच्चा और सबसे ज़्यादा सदाकत वाला दीन है और अब्बास बिन मुत्तलिब देखिए इस वाक़े से मालूम होता है कि वो शुरू में ही इस्लाम को पसंद करने लगे लेकिन हालात के बिना पर वो अपने इस्लाम का ऐलान नहीं करे तो अब्बास बिन मुत्तलिब कहते हैं कि इस ज़मीन में अगर कोई अल्लाह के दीन के बराबर अल्लाह की इबादत कर रहा है तो ये सिर्फ़ तीन है ये सिर्फ़ तीन है जो अल्लाह के दीन की इबादत कर अल्लाह की इबादत अल्लाह के दीन के मुताबिक कर रहे हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि यह पहली मरतबा था जब मैंने मोहम्मद रसोल्ला सल्ला को देखा और देखते ही अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने खूबसूरत लहजे में नबी वसल्लम का ऐसा डिस्क्रिप्शन किया ऐसा वसफ बयान किया कि आज भी पढ़ने वाला गोया के नबी सल आसलम को देख रहा है फौरन उन्होंने बता दिया आप का जिस्म कैसा था और बताया कि आप के बड़ा था, चौद्वी की चांद की तरह चमक रहा था और यह साहब हमारे यहां से गुजर रहे थे तो हमने बड़े ताजुब से उन्होंने दे, उन्हें देखा तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि यह पहली मरतबा है जब मैंने नबी वसल्लम को देखा देखने के साथ आप की मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई उसके बाद फिर कभी देखने का मौक़ा नहीं मिला जब तक के एक मरतबा मैं जब जानवर चरा रहा था अब्दुल्ला बिन मसरू जब छोटे थे तो उनका कबीला था गरीबी थी वो ज़माना गुरबत का था कहते हैं कि मैं जब मेरे कबीले में जानवर चरा रहा था मैं अकबा बिन अबी मैच नामी एक मक्के के सरदार के जानवर चराया करता था चंद सिक्कों के लिए तो मैं जब जानवर चरा रहा था तो इतने में मेरे सामने वही शख्स जिसे मैंने देखा था वो आए और उनके साथ उनके साथी थे बाद में मालूम हुआ ये अबू बकर सिद्दीक ये दो आए और आकर मुझसे कहने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे तुम्हारे पास कोई बकरी है जिससे हम दूध पी सकते हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हाँ बकरी तो है लेकिन मेरे पास ये अमानत है मैं दे नहीं सकता अब्दुल्ला बिन मसूद की अमानत देखिए जाहलीत में भी और ठीक वक्त में और सही वक्त में और सही जवाब दे रहे हैं वरना कोई दूसरा होता तो पैसों की ख्वाहिश में अपना काम चला लेता जैसे मक्के वाले करते हैं लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर खैर का पहलू पहले से था इसीलिए जितने भी सहाबा शुरू के जमाने में इस्लाम कबूल करते हैं उनके अंदर अल्लाह ने वो खैर का पहलू रखा हुआ था उनके अंदर वो अल्लाह का डर उनके अंदर वो अल्लाह के दीन से लगाव और लोगों के मुशरे में जो हालात चल रहे हैं उससे बेजारी शुरू से इनके दिल में होती थी अक्सर साहबा की तबसरत हम पढ़ते हैं तो ये कैफियत हम देखते हैं कि अल्लाह है ने इनके दिलों को शुरू से बड़ा ही पाक को साफ बनाया हुआ था और दिल में इतनी सफाई थी कि जब दीन की बातें सुने अल्लाह का कलाम सुना तो कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकी हालांकि उन्हें मालूम था कि इस्लाम कबूल करेंगे तो मौत को दावत देने के बराबर है इस्लाम कबूल करेंगे तो शामत आ जाएगी एक बड़ा ही घना होना खतरनाक मामला होता था उस जमाने में इस्लाम कबूल करना लेकिन इनकी सफाए दिल इनके खलूस नीयत इनके पाक दामनी का ये आलम था कि इन्होंने इन, इन चीजों को बालाए ताक रखा आगे बढ़े उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के लिए इन्होंने सब कुछ तश दिया यही सहाबा की जमात और बात के लोगों में फर्क है कि सहाबा की जमात इस्लाम के नाम पर उन्होंने जो कुर्बानियां दी बात के लोगों ने इतनी नहीं दी खासतौर पर शुरू के जमाने में जो कुर्बानियां थी अल्लाह अकबर उसका मुकाबला नहीं तो अब्दुल्ला बिन मसूद के भी आप ऐसे चंद वाक़ देखेंगे तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने कहा कि ये मेरे पास अमानत के हैं मैं आपको दे नहीं सकता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर ऐसी बकरी लाओ जिस पर कोई नर नहीं चढ़ा हो यानी ऐसी बकरी लाओ जो अभी कुआरी है जिसका दूध धोया नहीं जाता तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा एक ऐसी बकरी को लाया जिसका को, कोई दूध नहीं था मैंने आप सल्लम के हवाले कर दिया और आप वसल्लम ने उस पर कुछ पढ़ा और उसके बाद उसके दूध को धोने लगे तो मैं उससे एक बर्तन मांगा मैंने बर्तन दिया तो थोड़ी देर में यह बर्तन भर गया उसमें कफ आने लगा और खुद वो साहब पीते हैं उसके बाद उनके जो साथी थे बकर उनके तरफ उस बर्तन को आगे कर देते हैं वो भी उसे बड़ी सेरी से पीते हैं जब दोनों ने पूरा दूध खत्म कर दिया वो साहब ने फिर दूध निथारा फिर मेरे तरफ बर्तन आगे कर दिया और मुझसे कहा कि पियो तो मैंने देखा मुझे पहली तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये दूध कहां से निकल रहा है ये बकरी तो दूध तो नहीं देती अभी तो कौन ही बकरी है इससे दूध अभी कैसे निकल रहा है ये मैं सोच ही रहा था मुझे हुक्म हुआ कि पियो तो मैं रोप के मारे मैंने उस बर्तन को लिया और मैंने भी पीना शुरू किया और जैसे ही मैंने पूरा पी लिया तो वो साहब ने मुझे बर्तन कहा कि तुम रख लो और उसके बाद उस थन को देखकर हुक्म दिया कि किस जैसे तुम थी वैसे हो जाओ तो वो जो थन था जैसे पहले था वैसे ही हो गया और उसके बाद वो साहब ने बकरी को छोड़ा और वो आगे बढ़ गए मैंने कहा कि ऐ साहब रुक जाओ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं दौड़कर उनके करीब चला गया और जाकर मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्योंकि उन्होंने वो साहब के मुंह से बार बार लफ्ज़ सुना था कि वो साहब इन्हें या रसूल बुला रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैंने भी कहा कि या रसूल अल्लाह के रसूल मुझे वो जुमले सिखाइए जिसे तुमने पढ़ा जिसे पढ़ के तुमने फूका तो थन में दूध निकल आया, तो मुझे आप वो जुमले सिखा दीजिए अल्लाह के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सत सर में हाथ फेरा हाथ पर फेर कर कहा इनका गलईमआलम आप साहब में कहा कि तुम ऐसे लड़के हो जिसे बहुत कुछ इल्म सिखाया जाएगा जिसे बहुत कुछ सिखाया जाएगा बाज अहल ने कहा इस जुमले का माना ये उस जमाने के तबार से कि तुम बड़े समझदार लड़के हो बड़े अक्लमंद लड़के हो ये माना था उसका बहरहाल इसमें दुआ भी थी और इसमें उस लड़के के तल्लुक से तारीफ भी थी तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जैसे ही जुमला मैंने सुना तो मेरा दिल भर और मैंने कहा कि मैं आपके साथ हो जाता हूं मैं आपके दीन में शामिल हो जाता हूं बाद में नबी नबीम ने मुझे कहा ला इला मोहम्मद रसुल्ला कहो और हमारे साथ शामिल हो जाओ तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने बगैर झिझक के ला इला मोहम्मद रसोल्ला पढ़ा और उसके बाद से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया अब जब से सोहबत शुरू हुई अल्लाह अकबर ये सोहबत जारी रही अब्दुल्ला बिन मसरूद ने नबी सल्लम को कभी नहीं छोड़ा वो हमेशा नबी सल्हेम के साथ रहे जब तक कि आप सल्लम इस दुनिया से रुख़त नहीं हो गए बाद में ओबकर का जमाना आया वो भी रुखसत हो गए उमर का जमाना आया वो भी रुखसत हो गए और जब उस्मान रजी का जमाना आया उनके साथ रहे और अली बिन नबी तौलिब के ज़माने में कहा जाता है कि इनकी वफात हो गई थी तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 848 848 हदीस इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है तो बड़े ही जबरदस्त सहाबी रहे कहते हैं कि जब मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया तो आप सा मुझे उनके साथ ले गए और नए लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गिने चिने जो साहबा थे मुठ्ठी पर जो साहबा थे कहते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवा दिया तो मुझे ओबकर मालूम हो गए अली बिन नबीब मालूम हो गए दूसरे उस वक्त जो मुसलमान हुए थे खुदाबा बिन उस्मान बिन मजलून पुराने बिन मजून बहुत बड़े साहबी थे इनका इंतकाल नबी वसम के ज़माने में ही हो गया कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े साहबा से मेरा तारफ हुआ और उसके बाद मैं उन लोगों के साथ चलने लगा फिरने लगा कहते हैं कि एक बार हम लोग सब जमा हुए एक जगह और नबी सल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई नमाज के बाद हम सबों ने बैठ के ये गुफ्तगु की कि इस अल्लाह के कलाम को कैसे इस मक्के के वादी के लोगों को हम सुनाएंगे ये बोझ नबी सल्लम पर नहीं बल्कि हर मोमिन पर जिस किसी ने इस इस्लाम को कबूल किया है इसे दूसरों तक पहुँचाना है ये कोई ऐसा पैगाम नहीं कि हम सुन गए और बढ़ गए ऐसा तो हो नहीं सकता तो जो लोग उस वक्त इस्लाम कबूल किए उन्होंने शुरू ही में यह कोशिश की कि यह पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं क्योंकि ईमान की हरारत अजीज साथियों ऐसी होती नहीं मुमकिन नहीं कि आप इस्लाम कबूल करें मुमकिन नहीं कि आप ईमान कबूल कर लें और उसके बाद आप खामोशी से बैठ जाएं ये होता नहीं है ईमान की हरारत आदमी को इजाज़त नहीं देती कि वो सर्द मोहर होकर बैठ जाए बस मैंने सीख लिया मैंने सुन लिया और उसके बाद कुछ नहीं साहबा ने ऐसा नहीं किया बकर सिद्दीक रजी जिस दिन इस्लाम कबूल करते हैं वो गए दौड़कर कई लोगों को मुसलमान बनाया उन्होंने अब्दुलरमान बिन औफ को मुसलमान बनाया उन्होंने बिन अफान को मुसलमान बनाया उन्होंने जुर्बे बिन अवान को मुसलमान बनाया तोला मुसलमान बनाया मुबशरा बिल जन्ना जिन्हें जन्नत की खबर दी गई दुनियाओं में दुनिया में उनमें से छह लोग औबकर सिद्दीक रज्ला की दावत पर इस्लाम कबूल करते हैं तो शुरू ही में इनके अंदर यह सोच थी कि सीखने के बाद सिखाना जुजे लाइन फक है ऐसा होता ही नहीं कि आप सीखें और खामोश बैठ जाए शुरू ही में इनके पास ये था। बिन कहते हैं कि हम बैठे ये आपस में गुफ्तु कर रहे थे कि कैसे इन को हम का सुनाएंगे। तो जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि कौन जाएगा जाके हरम में जब सरदार ने कुरैश बैठे होते हैं उनके दरमियान आवाज ऊंची करके Allah के कलाम की तिलावत कौन करेगा वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो बिन मसूद ने कहा कि काम कर सकता हूं। अभी, अभी इस्लाम कबूल किए और था, ये दुबले पतले आदमी और छोटे कद के आदमी इनके हाथ पैर बहुत ही दुबले जैसे थे ये अगर चलते तो ये, ये बड़ों की तरह ऊंचे नहीं थे पीछे से कोई आदमी ने कभी बच्चा भी समझ लेता था उतनी छोटी इनकी खत थी और जिसम था दुबला पतला और शदीद सांवले थे और शदीत सांवले थे यही इनके जिसम की बनावट थी सुबह तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने अब रसूल से कहा कि यह काम मैं कर सकता हूं तो बाज लोगों ने कहा कि नहीं हम तो असल में एक ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो बड़ा है हसब नसब वाला हो कुरैश का टक्कर का हो वो जाए अगर उस पर हमला करना चाहे तो उसके खानदान वाले उसे बचा सकते हैं अरे अब्दुल्ला तुम ऐसे कोई खानदान के नहीं तुम्हारा खानदान तो बाहर है तुम तो आउटस्कर्ट से आ रहे हो मक्के के तो तुम्हारा कोई बचाव होना इम्कान नहीं है इसलिए बेहतर अब खामोश रहो लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद इतने जोश में थे जब ईमान दिल में जाता है तो आदमी के अंदर जोश होता है ये जोश एक जमाने में मैं खुद देख रहा था नौजवानों में लेकिन आज के नौजवानों में जोश ही नहीं है ऐसे मालूम होता है कि सीधे फ्रीजर से बाहर निकाले गए हैं बिल्कुल ठंड है पूरा इतमान है ऐसे समझते हैं कि अब इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं अब बल्कि इन्हें तो ये तो सोच रहे हैं कि भाई हमने बयान सुन लिया ये बहुत बड़ा कर्म किया हमने है ना हमने तो एहसान कर दिया कि हमने बयान सुन लिया नमाज पढ़ ली दिन पर हमने कर्म कर दिया चंद सदका खैरात कर लिए चंद दिन की खिदमत कर ली तो हमने समझ लेते हैं कि हमने दीन पर एहसान कर दिया जोश कहाँ है ईमानी हरारत कहाँ है इस जोश से ही दीन फैलता है आजीज साथियों ये जोश वाले ही दीन काम करते हैं ठंड सर्द मुहरद ऐस के सिल कुछ काम नहीं करते काम वो करते हैं जिनके अंदर हरारत होती है जिनके अंदर जोश होता है ईमान वालों के अंदर जोश होता है लेकिन बड़े उन्हें होश सिखाते हैं जोश और होश दोनों मिलके जब ऑपरेट होता है तब जाके काम बनता है आज हमारे पास नौजवानों को आप कहिए कि भाई आइए दिन के काम के लिए नहीं मुझे थोड़ा काम है क्या काम है मोबाइल में छह घंटे सर्फ करना है है ना आप आइए अल्लाह के दिन के लिए कुछ वक्त निकालिए कहते हैं कि भाई थोड़ा बिजी हूं मुझे थोड़ा काम है क्या भाई काम है इंटरनेट में बैठे हैं बैठे हैं कंप्यूटर में बैठे हैं क्या आपने साबित कर दिया याद रख लीजिए आपका ऐसा वक्त जाया करना इस्लाम को कुछ फायदा होने वाला नहीं है आप वो काम करें जिससे इस्लाम को फायदा हो जिससे अल्लाह के दिन की खिदमत हो ऐसा आप करेंगे आप और आपका मुस्तकबिल सब महफूज कर दिया जाएगा आप इस अल्लाह के दिन के लिए कुर्बानी दीजिए आज हमारे लोग वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है ना माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और कहते हैं कि बड़ा काम हो जाए और बातें इनकी होती हैं कि फलस्तीन में यहूदियों ने मार डाला फला इलाकों में ईमान वालों को खत्म कर डाला फलां जगह अल्लाह के दीन को नुकसान हुआ बातें ही करते रहेंगे बातें ही करते रहेंगे काम कब करेंगे याद रख लीजिए साहबा वो जमात है जिनके पास बातचीत कम थी काम ज्यादा था आज हमारे पास बातें ही बातें हैं हमारे पास क्या है बातें ही बातें काम बहुत ही कम है अजीज साथियों इस तरण को बदलना पड़ेगा इस जहनीत को बदलना पड़ेगा बातें तो हम करते हैं लेकिन काम उससे ज्यादा करना है काम के लिए कुर्बानी की जरूरत है अल्लाह का काम अल्लाह के दीन का काम अल्लाह के दीन की खिदमत की बात आ जाए तो आप सबसे पहले इसे प्रेफरेंस दीजिए आज हमारे पास क्या है दीन को हमने सानवी दर्जा दिया हुआ है वो भी कौन जिनके पास दीन है जिनके पास तोहिरद है जिनके पास मालूम है जिनके पास थोड़ा बहुत इल्म है उनका मामला ये है कि उनके पूरे काम हो जाए उनकी नौकरी चल जाए उनकी बिजनेस चल जाए उनके फुला फुलां काम हो जाए और दूसरे जो रिश्तेदार हैं अहबाब हैं उनका पूरा हो जाए उसके बाद इनके पास टाइम है तो ये टाइम निकालेंगे और क्या करना चाहते हैं आप अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहते हैं आप मजाक कर रहे हैं आप तो आप तो टाइम पास कर रहे हैं आप अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला आदमी अल्लाह के दीन की तरजीह सबसे पहले देगा इन यंसुरकुम व अल्लाह कहता है अगर अल्लाह के दीन को तुम तरजीह दोगे अल्लाह तुम्हारे पैरों को मजबूत करेगा देखिए आप इस दुनिया में मसरूफ हैं आप इस दुनिया में मसरूफ हैं अगर आपने दीन के काम को लेकर दीन में अपने आप को मसरूफ कर लिया आपके लिए खैर है आपके लिए बरकत है आपकी भी बिगड़ी बन गई आपके औलाद की बिगड़ी बन गई आपका घर भी दुरुस्त हो गया अगर आपने किसी दूसरी जगह अपने आप को मसरूफ किया आप उसी के हो जाएंगे आपको दीन हाथ में मिलने वाला नहीं है आपको मसरूफ होना ही होना है अल्लाह ने इस दुनिया को लोगों को बनाया है मसरूफ करने के लिए कोई आदमी बगैर काम के नहीं होता है सबका कुछ ना कुछ काम होता है इन कामों में आप अल्लाह के दीन के काम को कितना प्रेफरेंस देते हैं यही चीज है बड़ी बात जो आदमी अल्लाह के दीन के लिए अपना वक्त निकालता है अपना पैसा निकालता है अपना सब कुछ लगाता है इसका बहुत बड़ा मर्तबा है अल्लाह की नजर में इसके मामला थल। इसके पूरे पूरे मामला थल। मामला 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 घर के के तिजारत दूसरे अल्लाह इसकी जिम्मेदारी ले लेता है अगर आपने तिजारत में अपने आप को इतना मुलूस कर लिया अपनी नौकरी को आपने अपने सर के ऊपर रख लिया अपने दुनियावी कामों को आपने अपने सर के ऊपर डाल लिया आप उसी मसरूफ रहेंगे आप उसी में मसरूफ हैं ये हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको मैं आपको पंद्रह साल बीस साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है उनके पास तो वक्त था लेकिन दिन के लिए उन्हें वक्त नहीं निकाला तो घरेलू मामला में मसरूफ़ हो गए हॉस्पिटल में उनका वक्त निकल गया है ना फलां मसले में फलां झगड़े में पूरा वक्त उनका निकल गया बरकत नहीं होती है वक्त आप अल्लाह के दीन के लिए आइए इसकी खिदमत में वक्त लगाइए तो आपके पूरे मसले अल्लाह अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है और सबसे बेहतर वो मसाइल आपके खड़े होते हैं आपके घर के अंदर आपकी इज्जत होगी आपकी बीवी के पर आपकी इज्जत होगी आपके औलाद की नजर में आपकी इज्जत होगी उनकी भी तरबियत हो जाएगी आपका घर दीन बरकत अहमियत इन चीजों का एक बहुत बड़ा मरकज बन जाएगा तो मैं बता रहा हूं आज हमारे पास वो जोश नहीं आज हम लोग इतने सर्द मोहर हो गए हैं हमने दीन की बातें सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के जैसे कहते हैं ना सुन हो गए मैं तो कहूंगा कि सुंद नहीं हो गए हैं है ना सुंद जो आदमी है उसे तो उठा सकते ये तो मुर्दा हो गए हैं जो मुर्दा होता है उसे उठा नहीं सकते सुंद आदमी को मार के उठा सकते हैं को कैसे उठाएंगे जनासे में उठा के दफन करना पड़ेगा बस तो ऐसे हमारे यहां लोग हैं जो जो जिंदे नाश नजर आते हैं तो जोश कहां है ईमानी हरारत कहां है कुर्बानी कहां है पर इस्लाम का माना क्या है आपकी ये सब कुछ आपने सरेंडर किया तो आप मुसलमान हुए हैं वो कैसे मुसलमान हैं आप कहते हैं कि भाई मेरे पूरे काम है बाद में मैं इस्लाम को वक्त दूंगा यह कहां कहा है सरेंडर इसमें तो हमने इस्लाम के हिसों को समझाए जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा ईमान लाए इस्लाम में कंप्लीट दाखिल हो जाओ याद रख लीजिए मिलावट है ना थोड़ी देर के लिए मुसलमान रहेंगे रमजान में थोड़ा हमारे अंदर ईमान आ जाएगा उसके बाद हम हमारे रफ्तार में रहेंगे याद रख लीजिए इस्लाम से इसका कोई तल्लुक नहीं ऐसे करने वालों को नुकसान ज्यादा होता है

तो आप ये सेमी एंट्रेंस इस्लाम से सेमी इस्लाम में दाखिल होना इसे ना आपको फायदा किसी और को फायदा है दुनिया में मुसीबत मुसलमानों में पता है कहां है यहां है कि वो इस्लाम को ना कंप्लीट अपना पा रहे हैं ना इस्लाम को कंप्लीट छोड़ पा रहे हैं अगर कंप्लीट छोड़ देंगे तो काफिर हो जाएंगे कंप्लीट अपनाएंगे तो उन्हें तो दिल नहीं मान रहा है उन्हें तो गाने सुनना है उन्हें तो पिक्चर्स देखनी है उन्हें तो दुनिया भी करना है और उसके साथ एक शैतानी रिवाज सुनाते हैं कि दीन दुनिया मिला के करना दीन दुनिया मिला के करना आप जो कहते हैं ये नहीं है याद रखिए दीन दुनिया वो है जो आदमी दीन में रहता है जो आदमी दीन है उस दीन में है उसके लिए दुनिया मिलकर आ जाती है लेकिन जो दुनिया में है उसके पास दीन कभी नहीं आता तो आज हमारी दिक्कत यह है कि हम दीन को हमने सानवी सेकेंडरी दर्जा दिया हुआ है दीन के नाम पर कुर्बानी देने का जज्बा हमारे यहां तकरीबन खत्म हो गया है और उसके बाद हम चाहते हैं कि बड़ा काम हम कर करने उसके बाद हम चाहते हैं कि हमसे फुला हो जाए हमसे फुला हो जाए ये सब जैसे कहते हैं ना बिल्ली के खाब में छिछोड़े वो है हकीकत इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के लिए आपके दिल तैयार नहीं होते अल्लाह के दिन का काम नहीं होगा ये देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद अभी इस्लाम कबूल किए हैं और जब कहा गया कि अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी है कहते हैं कि मैं करूंगा बड़ों ने कहा कि भाई तुम्हारा कबीला छोटा सा कबीला है तुम उधर जाओगे तो तुम्हारी पिटाई होगी तो तुम्हारा कोई खानदान आके तुम्हें नहीं बचाएगा इस तुम से जरा बराबर भी फिक्र नहीं जरा बराबर भी फिक्र नहीं और उन्हें मालूम है कि काबे के सहन में तवाफ करने की जगह अगर वहां पर कुरान की तिलावत हो सरदार ने बैठे हैं तो इनकी तो शामत आई इन्हें तो मार के जहां से मार देंगे लेकिन इन्होंने कहा कि ये कुर्बानी देना ही ईमान की निशानी है कुर्बानी देना ही ये ईमान का शेवा है वो कैसे मोमिन है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं और दावा ईमान का करता है ये तो अपने आप को धोखा देता है मोमिन वो है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो हर चीज अल्लाह के लिए तशने के लिए तैयार हो यही मोमिन है अब हादिस पढ़िए कुरान पढ़िए अल्लाह ने सब कुछ यही कहा है इसी को अल्लाह ने दूसरे एतबार से जिहाद कहा है कि आप अल्लाह के राह में जिहाद करिए अपने नफ्स के साथ अपने दौलत के साथ यही है कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो पार्ट टाइम नहीं हमें मोमिन फुल टाइम चाहिए हमारे यहां पार्ट टाइम का सिस्टम है ही नहीं उदू काफ़ दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ दीन ने आपको कहा हुक्म करते जाओ हराम करार दिया उसे छोड़ दो यही है कंप्लीट मोमिन का शेवा तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मुझे इस ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं और सीधे दौड़ के अहर में चले जाते हैं और सहन में ठहरकर तेजी से रहमान की तिलावत शुरू कर देने और मुश्किन ने देखा कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद इस बच्चे को हो क्या गया है लोगों ने कहा कि नहीं ये कुछ पढ़ रहा है बाजों ने कहा कि क्या पढ़ रहा है बाजों ने कहा कि नहीं ये कुछ नया कलाम पढ़ रहा है शेर शायरी नहीं गौर से सुना तो मालूम हुआ कि ये वही कलाम है बिल्कुल उस कलाम जैसा है जिस कलाम को मोहम्मद पेश करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को बात मालूम हुआ कि ये मोहम्मद का कलाम है मतलब अल्लाह का कलाम है कुरान पढ़ रहा है तो सब एक साथ अब्दुल्ला बिन मसूद पर टूट पड़े लागी आदमी लेकिन खूब उन्हें मारा जाता है उनके जिसम में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर चोट नहीं आया लेकिन कुर्बान जाए इस अल्लाह के बंदे पर ये मार खा रहा था कुरान पढ़ रहा था मार खा रहा था कुरान पढ़ रहा था यहां तक कि बाज लोग आए और उन्हें इनकी हालत पर क्रम आया इनकी हालत पर रहम आया तो उन्हें उन्होंने छोड़ दिया बाद में बाज लोग साहबाज जो थे वो उठाकर ले आते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद की टीमारदारी करते हैं उन्हें तैयार करते और कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो देखो तुमने अपनी हालत कैसे बना ली तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा उस हालत में अगर आप चाहो तो कल फिर मैं हर में जा सकता हूं अगर आप चाहो तो कल फिर मैं हर में जाऊंगा और मुझे कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं इन मार धाड़ का मुझे कोई परवाह नहीं ये अब्दुल्ला बिन मसूद थे साथियों बाद में साहबा ने बड़े साहबा ने उन्हें रोक लिया कहा कि ऐसा हरगिज मत करिए इससे ज्यादा नुकसान होगा तो शुरू के बिल्कुल शुरू के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए और जब हुए साथ शुरू के खासतौर पर मक्की ज़माने में नबी वसल्लम के बिल्कुल राजदान हो गए अहले इल्म ने इनके बारे में लिखा कैन साहिब सवादी ही वह वसादी ही वह नई ही वह ही सफ़र कहते हैं कि नबी वसल्लम के राजदान नबी वम तो के बिस्तर का इंतजाम करने वाले नबी वम के मिसवाक का इंतज़ाम करने वाले नबी वम के जूतियों का इंतज़ाम करने वाले नबी साम के लिए पानी का इंतज़ाम करने वाले ये जैसे ही इस्लाम कबूल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लग जाते हैं अभी ने इसका क्या बदला मिला अभी आप देखेंगे बिल्कुल वादी में दूर दराज इलाक़ों में एक गैर मकबूल गैर मशहूर कबीले में रहने वाला एक छोटा सा नौजवान जब नबी वसल्लम की खिदमत में लगता है अल्लाह के दीन के तरफ लौट आता है तो उसे अल्लाह का दीन क्या बनाता है वो भी आपके सामने इंशाला आने वाला है तो एक मरतबा नबी वसल्लम ने अब्दुल्ल् बिन मसूद से कहा कि अय अब्दुल्ला तुम हमारी पूरी रास की बात जान सकते हो उनकी खिदमत देखकर नबी वसल्लम ने अब्दुल्ल बिन मसूद के लिए ओपन उनके लिए जो है इजाजत दी कहा कि तुम हमारी पूरी रास की बात जान सकते हो तुम्हारे और हमारे दरमियान कोई राज नहीं तुम्हारे हमारे दरमियान कोई राज नहीं एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसला शारी ये बाद में इस्लाम कबूल किए थे ये जब आए तो इन्होंने अब्दुल्ल बिन मसूद के ताल्लुक़ से कहा कि हम जब शुरू शुरू में आए थे और नबी साम और अब्दुल्ल बिन मसूद के तल्लुक को देख कर हमने तो ये समझ लिया कि ये यह नबीसम के ख़ास ख़ानदान के आदमी हैं नबी साम के घर के आदमी हैं क्योंकि ये नबी वसम के घर में धड़ल्ले से जाते और जब चाहे जाते और जब चाहे बाहर निकल जाते हमें तो इन्हें ऐसी हालत में देखा कि जब नबी साल्लम चलते जाते तो नबी साम के सामने ये चलते जा रहे हैं और इनके हाथ में कुछ जिसे रास्ता साफ करते जा रहे हैं और फिर जैसे नबी साम इनके आते रहते हैं और जबीस अगर कहीं बैठना चाहते हैं तो ये लपक के नबी वम के पैरों से जूते उतार कर अपने बगल के नीचे रख लेते थे और नबी साम को मिसवाक की जरूरत थी तो दौड़ते कहीं से मिसवाक का इंतजाम करते और नबी वसलम को वजू के लिए पानी की ज़रूरत होती दौड़ते कहीं से प्याली भर पानी लाते तो नबी वसम के इर्द गिर्द घूमते रहते थे नबी वसम की खिदमत में 24 घंटे मसरूफ़ रहते थे और नबी वसम अगर घर के तरफ भी जाएँ तो नबी नबीम से पहले ये घर के अंदर चले जाते और जाके घर के अंदर इनके बैठने का इंतज़ाम करते बाद में नबी सा इनके घर में दाखिल होते थे तो इस हद तक बिल्कुल अब्दुल्ल बिन मसूद करीब रहे ये बिल्कुल शुरू का ज़माना जब अब्दुल्ल्या बिन मसूद का मकाम आ गया और ये बहुत बड़े मौलिम टीचर बन गए तो ये काम अनस बिन मालिक के हो गया ये काम अनस बिन मालिक के सुपुर्द हो गया अबू हरे के हो गया और उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी खिदमत कर लेते थे लेकिन ये जो बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद के सामने इनसे पहले यह काम अब्दुल्ला बिन मसूद और कब करते थे मके जमाने में मदीने के जमाने में तो हैं बहुत अरे भाई मदीने के जमाने में तो बादशाह है ना नबी है सारा अरब डर रहा है तब तो खिदमत करने वाले आएंगे क्यों नहीं आएंगे लपक के आएंगे दौड़ के आएंगे लेकिन मक्के की बात करिए ना अभी तो चार पांच लोग इस्लाम कबूल किए हैं अभी तो नया दीन है अब ये दीन का मामला तो ये है कि जबान खोलने पर मार पड़ रही है कई लोग इनके आंखों के सामने शहीद कर दिए गए हैं मुल्क छोड़ के भागने की नौबत आ रही है ऐसे माहौल में इस लगाव के साथ अगर कोई रहता है तो वाकई वो ईमान वाला है वाकई वो ईमान का पहाड़ है वाकई उसके दिल में ईमान का नूर झलक रहा है वो थे अब्दुल्ला बिन मसूद तो साथ के साथ बिल्कुल और शुरू में जब हालात बहुत ही खराब हो गए मार धाड़ कुरेश तो पूरे अवबाश गुंडे बन गए थे ना वो तो पूरे जलालत के साथ झगड़े में उतराए है, है ना पूरा गुंडा शुरू कर दिया था उन्होंने तो जब साबा सर दिखाना उनके लिए मुश्किल हो गया तो नबी साहल्लम ने एक जमात से कहा कि भाई तुम लोग हबशा हिजरत करके जाओ तो इसीलिए बिन मसूद के ताल्लुक से कहते हैं साहिबुल हिजरत साहिब इन्होंने दो हिजरत की तो नबी साहल् ने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि अब्दुल्ला तुम जाओ तुम यहां पर तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है खास तौर पर नबी नबीम ने इस हिजरत में पता है किन लोगों को भेजा अगर आप उनके नाम देखेंगे दो मरतबा हुई उनके अगर नाम देखेंगे तो उसमें जो बड़े हैं उसमें जो बड़े कबायल के हैं गिनती के चंद होंगे अक्सर छोटे कबायल के होंगे अक्सर सोहेब रोमी बिलाल अमार अब्दुल्ला बिन मसूद, इनके कबाल जिन्हें कुरेश देखना भी पसंद नहीं करते इनके आंखों के धूल हैं इन्हें कुछ हिसाब में लगाते नहीं इनका ईमान कबूल कर रहे हैं उन्हें कुछ परेशानी नहीं तो ऐसे लोग चूंकि इनकी सेफ्टी जरूरी थी इनकी हिफाजत जरूरी थी तो नबी वसल्लम ने इनसे कहा कि भाई चलो तुम लोग हिजरत करके जाओ तुम लोग जाओ और इनके साथ बास बड़ों को किया कहा कि भाई इन्हें ले जाओ कम अज कम इनकी जान की हिफाजतें तो हो जाए तो अब्दुल्ला बिन मसूद हिजरत करके हबशा पहुंचते हैं रजील्ला और जब हबशा पहुंचते हैं तो वो पीछे से अमर बिन आस और दूसरे हजरात जो उस वक्त मुश्रक थे ये सीधे हबशा पहुंच गए नजाशी के दरबार में पहुंच गए और पहुंच कर क्या कहा कहा क्या नजाशी हमारे यहां के बाज लोग बेदीन हो गए उन्होंने दिन छोड़ दिया है और वो दौड़ के तुम्हारे पास आ गए हैं तो आप बर करम उन्हें हमारे हवाले कर दें हम उन्हें लेकर जाने के लिए आए हैं तो नजाशी ने देखा कि ये मक्का से आए हैं और बड़े कबीले से इनका ताल्लुक है तो फौरन लोगों से पूछा कि भाई जाओ कौन है आदमी उन्हें लेकर आओ तो लोग गए जाके सहाबा की जमात को हाजिर किया उस वक्त उनके अमीर थे जाफर बिन अबी जाफर अल्लाह कितने बड़े सहाबी तो उन्हें हाजिर कर दिया गया जाफर जाफरतार बिल्कुल नबी सा जैसे थे उनका हंसना उनका रंग उनके बाल का स्टाइल उनके कपड़े वो बिल्कुल नबी सासम से मुशाबे थे तो मजलिस में जाफर तालिब को बुलाया गया और जाफर बिन नबी तालिब ने नजाशी को इस्लाम ठीक अंदाज से पेश किया और नजाशी काफी खुश हुए और उसके बाद कहा कि जाओ तुम्हें कोई यहां से निकाल नहीं सकता जब चले गए तो फिर अमर अमर बिन आस दूसरे आए आकर कहा कि ठीक है इन्होंने जो कहा सही है लेकिन आपको पता है कि ये मरियम और ईसा के ताल्लुक से क्या कहते हैं ये कहते हैं कि दोनों इंसान हैं तो फिर नजाशी ने उन्हें बुलाया पूरी जमात आई वो जो जमात आई उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे वो जमात आई और अब्दुल्ला बिन मसूद ही ने इस रिवायत को बयान किया है ये जो रिवायत हम पढ़ते हैं जाफर बिन अबी तालिब का जो मुनाज़रा, जो नजाशी के साथ हुआ गुफ्तु जो लंबी हुई उसमें जाफर और तालिब ने कैसे इस्लाम पेश किया ये पूरी रिवायत बैन करने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद थे रज़ी बाद में उन्होंने बैन किया तो दूसरी मरतबा बुलाया गया तो इस बार जाफर अब नबी तालब ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा सिर्फ सुर मरियम की आयतों की तिलावत की नजाशी के आंखों से जारोार आंसू गिरने लगे और उसका चेहरा नीचे हो गया और उसके बाद वो आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने खत खींचा खत खींच के बताया कि इस खत का भी फ़र्क़ नहीं है ये जो बयान कर रहे हैं और हकीकत ईसा और मरियम की है दोनों की एक ही बात ही। इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बात बताया है इसमें बाल मूह फ़र्क नहीं है उसके बाद नजाशी जाफ़र बिन तालिब के हाथों इस्लाम कबूल करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता उनके हाथ पैर धोता और उस पानी को पीता उनसे बरकत हासिल करता तो नबी वसल्लम की नजाशी ने खूब तारीफ की और नबी वसल्लम ने उनके इस्लाम को कबूल किया और उन्हें बड़ा नेक बयान किया और जब नजाशी की वफात हुई आप वसल्लम ने गायबाना जनाजे की नमाज भी पढ़ी तो इससे मालूम हुआ कि नजाशी मुसलमान हो गए थे और मुसलमान बनाने वाले जायफर बिन अबीब थे और इस मजलिस को ये पूरे को रिकॉर्ड करने वाले अब्दुल्ला तो हिजरत कहे हबशा में रहे बाद में वो वापस आ गए थे मक्का हदफा बिन यमान यमानजी से सहाबा ने पूछा हदेफा बिन यमान ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे और ये बाद के जमाने में उमर बिन अब्दुल खत्ताब रसमान बिन अफानद के जमाने में ये ज्यादा घूमते थे इन्हें जो हुकूमत से बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती थी पैगाम बड़े बड़े पैगाम ले जाते थे और सारी दुनिया में घूमते थे हृदय बिन यमान तो जहाँ कहीं भी जाते लोग इनसे पूछते कि नबीम कैसे थे चूंकि अभी भी इस्लाम कबूल किए हैं तो बस लोग पूछते कि अब जो लोग जिंदा हैं उनमें से नबीम जैसा कौन है मतलब नबी वम की सुन्नत पर ठीक अमल करने वाला मिनवान अमल करने वाला कौन है तो शदेफा बिन यमान रज़ी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक हैं उनका नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी इनका तरीक़ा इनका रहने सहने का अंदाज़ इनकी इबादत और इनका जो है ईमान और इनका तर्ज ये बिल्कुल नबी अलैहि वसल्लम जैसा है ये अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए बहुत बड़ी बात है माएशा रजील् के पास लोग जाते मसायल बयान करते पूछते कि इसका सही जवाब क्या है तो माई आयशा रजील् पूछती है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या कहा इससे मालूम हुआ कि इनका कितना बड़ा मरतबा रहा है उसी तरीके से एक मरतबा हम देखते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम ने साहबा के दरमियान कहा कि अगर मुझे बगैर मशूरा किसी को अगर अमीर बनाना है किसी भी एक टोली का किसी भी एक इलाके का तो मैं अगर बगैर मशूर क्योंकि नबी साहब वाल बग़ैर मशूरे कोई फैसला लेते नहीं थे साहबा से मशूर करते थे क्योंकि आप साहब वल्लम को हु नबी साम आप अपने सहाबा से मशवरा करें अल्लाह का अलाकुम था नबी को तो नबीी सा कहते हैं कि अगर मैं बग़ैर मशवरा किसी को अमीर बनाना चाहो तो मैं अब्दुल्ला बिन मसूद को बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे नजर में इतनी अहमियत वाले हैं एक मरतबा आप सल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि अब्दुल्ला चढ़ो उस झाड़ी में एक घोंसला है उसमें चूजा है पता नहीं उसके साथ क्या हो गया तुम चढ़ के उस घोंसले को नहीं छुटारो

यामत के दिन आमाल के तराजू में ओहद के पहाड़ से ज्यादा वजनदार होंगे तराजू में आमाल के तराजू में ओहद के पहाड़ से ज्यादा वजनदार होंगे ये ऐसी पिंडलियां हैं हमारी भी तो बड़ी बड़ी पिंडलियां हैं बास की पिंडियां तो माशाल्लाह पिलर जैसी है।, है ना असल मामला ये है कि तराजू में क्या है क़यामत के दिन आमाल नामे जब तोले जाएंगे उस तोलने में आपका क्या रोल है वही हकीकत है बड़े बड़े जिसम तो दुनिया में बहुत हैं, बड़े बड़े पिंडलियां वाले तो बहुत हैं लेकिन लागर पिंडली होने के बावजूद उस तराजू में वजनदार हो तो ये काबिल तो ने कहा अल्लाह के ये पिंडली ये पैर आमाल नामे के तराजों में वोहद के पहाड़ से ज्यादा वजनदार होंगे उमर बिन खत्ताबन का जमाना आया तो उमर बिन खत्ताब ने कोफा की बस्ती को तैयार किया उमर बिन खत्ताब ने तीन बस्तियों को तैयार किया बसरा और मुसिल, इन तीन बस्तियों को उमर बिन ने डेवलप किया। लोग नहीं थे, लोगों को जमा किया से कहा कि जाओ, वहां पर बस्ती बस्ती बनाओ। तो आज तक मौजूद है जब वहां पर बाकायदा बस्ती बन भेजा उनमें से एक थे बिन यासर। बिन यासर, इल्म के मैदान के आदमी नहीं थे वो एडमिनिस्ट्रेशन और जिहाद के मैदान के आदमी थे तो अमर बिन यासिर को अमीर बनाया और साथ साथ अब्दुल्ला बिन मसूद को उनका वजीर बनाया और कोफा का टीचर बनाया कौन बनाते हैं उमर बिन ख़त्ताब खताब रफी और खत में लिखते हैं कोफा वालों को बअस्तु तो इलैकुम अम्मारन و وابن مسعود معلما ووزيرا هما من النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوهما وتعلموا منهما و... وانا اثرتكم بعبد الله بن مسعود कहते हैं कि इन दोनों की बातें सुनो इन दोनों से खूब सीखो और अब्दुल्ला को मैंने तुम्हारे लिए मुझसे भिछड़ाया है कहते हैं अब्दुल्ला को मैंने तुम्हारे लिए मुझसे दूर किया है बल्कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उन्हें दूर करूं लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए अब्दुल्ला को मैंने तुम्हारे तरफ भेजा है और जब अब्दुल्ला गए और खूफे में रहे अल्लाह अकबर वहां से तफसीर की जो बुनियादें पड़ी में इसके बानी अब्दुल्ला बिन मसूर थे के बानी अब्दुल्ला बिन मसूद इन्हीं के शागिर्दों के शागिर्दों में कौन आए अब इन्हीं के शागिर्दों के शागिर्दों में अहमद बिन अहम जितने भी उस इलाके सेब्दुल्ला के मसलक के थे उनके मजहब के थे उनके तरजीहात की तबाह करते थे ये जो मजहब है है इसका अक्सर वेशतर दारदार अब्दुल्ला बिन मसूद कोई मामली बात नहीं आजीसाती उसी तरीके से कुरान को लेकर इनकी तारीफा सुन लीजिए कुरान ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पढ़ते थे नबी साम को इनकी तिलावत इतनी पसंद आती थी इतनी पसंद आती थी आम तौर पर जो लोग आते सीखने के लिए उनसे नबी सा कहते मन आर मन सर रहूरा कुरान कमा उन अगर कोई आदमी कुरान को जैसे नाजिल हुआ वैसे पढ़ना चाहता है जैसे नाजिल हुआ वैसे सुनना चाहता है उसे चाहिए फल उस आदमी को चाहिए अब्दुल्ला बिन मसूद की करात में पढ़े एक दूसरी बात में अगर कोई आदमी कुरान को बिल्कुल तर व ताज़ा पढ़ना चाहता है कुरान को तर व ताज़ा गरीन तर व ताजा पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए अब्दुल्ला बिन मसूद तो की पढ़े वो हुज़ैली लहजे में पढ़ते थे उनके लहजे के बहुत सारे चेंजेस थे लेकिन उनकी जो तिलावत थी उनका जो हंजूरा था उनकी जो आवाज़ थी नबी साद सल्ब और उनके अंदर जो क्लैरिटी थी पढ़ने में आप साद वसलम बहुत पढ़ते थे सुनते थे एक मरतबा आप सल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद को बुलाया बुला के बिठाया बिठा के कहा कि अब्दुल्ला पढ़ो अब्दुल्ला बिन मसूद घबरे हो गए कहा अल्लाह के रसूल आपके सामने मैं पढ़ूँ ये क्या कह रहे हैं आप नबी साहल्लम ने कहा कि नहीं मुझे मेरे अलावा लोगों से सुनने में मजा आता है तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद सुर निसा की तिलावत करते हैं और एक आयत में जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि नबी सालम ने कहा कि रुक जाओ अब्दुल्ला और मैं आंखें बंद करके पढ़ रहा था और जब मुझे ये हुक्म हुआ कि रुक जाओ तो मैं रुक गया जब मैंने आंखें खोली तो मैंने नबी साम के आंखों में आंसू गिरते हुए देखा आप बिन मसूद की खरात सुनते और इस हद तक मुतासिर होते और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी के अंदर बाज

जो मेरे अलावा जमीन में चलने वाला किसी भी इंसान ने नहीं किया बहुत बड़ी फखर की बात है बहुत बड़ी फखर की बात है ना इसमें अउ बकर है ना उमर शामिल है ना अली शामिल है ये हजरा हिफ करते थे आपस में सुन के हिफ्स कर लेते थे, थे और उनके अंदर दूसरा जो सिस्टम था उस अंदाज से हिफ कर लेते थे लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मुझे मेरे बगल में बैठ कर सत्तर सूरतों को याद करना करवाने वाले मैं एक आदमी हूं इस जमीन में जिसे यह फजीलत मिली है मेरे साथ कोई दूसरा शरीक नहीं है धड़ल्ले से कह देते और वाकई उन्हें जेबा देता है वो वाकई फख्र की बात है इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी कि मिलमुलबशरिया इंसानियत के उस्ताद ने अब्दुल्ला बिन मसूद को सिखाया है तो इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है और उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक ओबकर सदी का जमाना आया ओबर सिद्दीक ने आपको मालूम है जैद बिन साबित को चुना कुरान लिखने के लिए यह चीज अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद नहीं आई और जब अब्दुल्ला बिन मसूद के मालूम हुआ तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि एक ऐसे बच्चे को मुझ पर तरजीह दी, दी जा रही है खुदा की कसम जब वो उसके मां के पेट में था तो उसका बावा काफिर था खुदा की कसम जब वो उसके मां के पेट में था तो उसका काफिर था ऐसा बच्चा जो मदीने के सड़कों में खेलता था उसे मुझ पर तरजीह दी जा रही है लेकिन अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब उनकी राय अलग थी उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद देखिए ये उमर बिन खत्ताब ने कुफा भेज दिया था कुफे में थे और ओबकुर रजी के जमाने में ये दूसरी जिम्मेदारियों में थे लेकिन जैद बिन साबित इनसे छोटे होने के बावजूद उनके अंदर बाज खूबियां थी जिसका जिक्र औबकर सिद्दीक ने शुरू में कर दिया क्या कहा कि तुम नौजवान हो तुम अक्लमंद हो और तुम्हारे अंदर हमने कभी भी शक नहीं किया तुम्हारी शख्सियत तुम्हारी अध्यानतदारी तुम्हारी सदाकत कभी भी किसी ने इसमें कुछ नहीं कहा है ना ना तुम्हारे अखलाक पर किसी ने कुछ कलाम किया है और नंबर चार तुम नबी शासन जमाने में वही लिखते थे और नंबर पाँच जिसका जिक्र अब सिद्दीक नहीं किया बाद में हलेल में कहा कि उनके इंतखा की बुनियादी वजह यह थी कि नबी सल्लम के आखिरी साल जिसे अल अलरदतुलखीरा कहा गया

अबू जहल के सर को कलम करने वाले कौन थे अब्दुल्ला बिन मसूद जब बदर के मैदान में जब अबू जहल को इबन अफरा अफरा नामी इबन अफरा नामी दो नौजवान भाई जो आए थे वहद में लड़ने के लिए बदर में लड़ने के लिए और बात साहबा से पूछा कि अबू जहल कौन है तो साहबा ने अबू जहल को बताया ये दो नौजवान पीछे पड़ के अबू जहल को कत्ल करते हैं तो जब अबू जहल की जान जा रही थी तो अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत गुस्सा था इस पर तो वो तलवार लेके दौड़ते हुए आए तो देखा कि ये नाश पड़ी हुई है लेकिन जिंदा है तो अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सीने में चढ़ गए और सीने में चढ़ के अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अब मालूम हुआ तेरी हकीकत क्या है अब तुझे मालूम हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के क्या वादे हैं तो अबू जहल ने इनकी बातों को सुनकर कहा देखिए उस वक्त भी उसकी तकबूर देखिए उसने कहा कि मसूद मसूद ने कहा कहा उसने की औलाद औलाद तुझे मालूम है तो किस बड़े मकाम पे खड़ा हुआ है मुर्दा है सीने में खड़े हुए हैं तो वो कह रहा है कि तुझे मालूम इससे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है तो सीधे तलवार उसके सर में चलाते हैं सर अलग निकाल लेते हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद तो के, मैदान के आदमी मुजाहिद के आदमी कई एक जिम्मेदारियां तो जैद बिन जहाबिद सिर्फ इल्म के मैदान के थे और उनका ख़ास मशगला यही था तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने इनका इंतखाब किया लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी सिद्दीक के ज़माने में कुछ नहीं बोले इंतखाब गया खामोश उमर बिन खताब का जमाना खामोश जब मान रदीन के ज़माने में फिर बुला के जैद बिन जहाबिद को जब जिम्मेदारी दी गई तो भड़क गए और खूब गुस्सा दिखाया कहा कि ये जब इसकी माँ के पेट में था तो उसका बाप काविर था ये मदीने के बच्चों के साथ खेला करता था इस बच्चे को मुझ पर तरजीह दी जा रही है जबकि मैं मौजूद हूं काफी गुस्सा आया अब ये दो समाने में तो ये बोल नहीं सकते थे मामला बड़ा संगीन हो जाएगा अब तो तकरीबन एक ही टक्कर के लोग हैं एक ही जमाने के हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने खूब बोला और इनसे कुछ बास पुरुष नहीं किया इन्होंने सिर्फ अब मैं उन्हीं को जिम्मेदारी दे सकता हूं उनके पास तजुर्बा है और उन्हें जो चीजों के लिए चुना गया वही चीजों की जरूरत है अब हम इसमें कुछ तब्दीली नहीं कर सकते और उसके बाद बाद में बिन बिन मसूद को उस्मान अफान ने बुलाया बुला के कहा कि भाई तुम कुफा में थे है कि नहीं उमर बिन खत्ताब के जमाने में में चले गए थे तुम कुफा में जिम्मेदारी में थे तो इसलिए हमने तुम्हें वहां से बुलाना जरूरी नहीं समझा तो शुरू में काफी गुस्से में रहे और बाद के जमाने में और खास तौर पर उन्हें गुस्सा उस वक्त आया जब उस्मान बिन रसमान ने कहा कि भाई जितने भी कुरान के नुस्खे हैं सब लेकर आओ और सबों को उस्मान बिन रसमान ने जला दिया मस्जिद ही में कहा कि ये जो छह कॉपीज हमने बनाए हैं ना यही बस सब के नुस्खों को लिया उसमें सब के कॉपीज जो जो जल गए खुद उनकी भी कॉपीज जला दी उन्होंने अली बिन अबी ने बुलाया जला दिया उसके बाद अबू बकर बक उन्हें बुलाया उसे जला दिया बाद सहाबियात के पास से लाया उसे जला दिया और अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि लाओ अब्दुल्ला मसिन कह नहीं दूंगा मैं मैं कैसे दे सकता हूँ मैं दे नहीं सकता मेरा नुस्खा मेरे पास रहेगा तो उस्मान बिन अफान ने शुरू में उन्हें कुछ नहीं कहा ठीक है उनकी मर्जी छोड़ दो बुलंद पाए आदमी है मकाम वाले आदमी हैं तो उन्हें ख़ास रियायत की गई उन्हें कुछ कहा नहीं गया तो बाद में जब उस्मान बिन मिनान जब वो मदीना आए बाद में मदीना आ गए थे आखिरी जमाने उस्मान बिन मिनफान के ज़माने में कोफा को खैराबाद कहा उसके बाद मदीना आ गए वो मदीने ही में रहे तो जब मदीना आया तो उस्मान बिन मिनफान ने बुलाया उनसे गुफ्तगू की समझाया तो बाद में वो अपना नुस्खा लाते हैं और वो नुस्खा जलाया जाता है बाद में अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे इन चीज़ों को मान लेते हैं शुरू में उन्हें काफ़ी गुस्सा था बाद में इंसान है सबसे होता है ओबकर सिद्दीक रजी अल्लाह से ज़्यादा गुस्सा करने वाला दुनिया में नहीं था उनका गुस्सा नाकमर था कोई उनके करीब भटक नहीं सकता है ना कोई उमर बिन खतब डरते थे उनसे जब बनो सकीीफ में खुतबा देने की बात आई तो उमर ने खा कर बैठो बैठो जी बात करो बैठा दे उमर क्या वो खुतबा देते हैं तो जो वो इंसान की तबीयत है तकाजा है तो अब्दुल्ला बिन मसूद काफ़ी गुस्से में रहे बाद में उन्होंने अपने जो मुसहफ थे वो सरेंडर कर दिया उसे जला दिया गया उसके बाद ये मदीना आ गए और मदीने ही में रहे और मदीने में बत्तीस हिजरी बत्तीस हिजरी में इनकी वफात हुई और इनकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ज़ुबैर बिनलाउआ मन और इन्हें बकी में दफन कर दिया जाता है इनके शागिदों में बहुत बड़े शागिद एक थे मसरूक एक थे अलकमा और एक थे जिर बिन हुबैश ये वो लोग थे जिन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद के इल्म को सारी दुनिया में पहुँचाया सारी दुनिया में पहुँचाया और इस तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूर रजी शुरू के ज़माने वफात पा जाते हैं और ये इनके कारनामे थे जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया और भी इनके तल्लु बहाते हैं वक्त हुआ चाहता है मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमने जो भी सुना है जो भी कहा है इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे और इनके बाज़ मुनफरिद मसाइल थे जिसका जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ इनके जो साहबा के आम मसाइल थे उनमें से बाद जगह एक खतरनाक मुखालफत करते थे खास तौर पर इनकी जो मुखालफत थी वो रुकू में रुकू में हम रुकू करते हैं तो घुटनों में दोनों हतीलियाँ रखते हैं ये जब रुकू करते थे बाद वक्त दोनों हतीलियों को जोड़कर दोनों घुटनों के बीच में रख लेते थे और लोगों ने तराज किया कहा कि मुझे सिखा रहे हो मुझे बता रहे तुम लोग नबी साहब क्या करते थे हमने देखा है नबी सा करते हुए हमने नबी सा को करते हुए देखा है मुझे सिखा रहे हो तुम लोग और कोई उनसे बस पुरुष नहीं करता वो वही अमल करते थे दूसरे सहाबा ने कर दिया कि भाई ये इनकी इनफरादियत है जैसे बाद जैसे इमरान बिन हुसैन एक सहाबी थे वो कहते थे कि रोजे में पीना मना है खाना मना है लेकिन बर्फ ना पीना है ना खाना है वो खा सकते हैं तो सहाबा के उनकी मुनफरिद मसाइल थे उसमें उम्मत ने उनकी तबाह नहीं की उम्मत में उनकी इतबा नहीं की वो उस मसाइल में काबिल इतवा नहीं है ये उनकी हम लफजिश मानेंगे और कल की मजलिस में हमने देखा कोदामा मजलून शराब नोशी थी उनके पास वो कुरान के आद पढ़ते थे तो ऐसे सहाबा में इन्हें कहते हैं तफरुदात सहाबा सहाबा के दरमियान बास तफरुदा थे इंसान है मुगालता हो गया कभी किसी ने देखा होगा गलत देख लिया होगा और उन्हें कहा कि भाई मैंने देखा है तो ठीक है साहबा ने छोड़ दिया कहा कि भाई तुम तुम्हारा अमल करो तो इसे कह दे तफरदा साहबा और तफरुदात साहबा दलील नहीं बाज़ गुमराह फिर और बाज गाली सूफिया जो होते हैं हमारे माशरे में वो तफरदात साहबा को बुनियाद क्या करते हैं कहते हैं कि यही दिन का हिस्सा है और दिन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिनसे तफरुदात हुए हैं तफरुदात में उनकी तबाह नहीं होगी बल्कि हमारा दीन सहाबा का मजमुई हिस्सा जिसे दीन माना है वही दीन हो सकता है किसी एक फर्द से गलती होने के इम्कान हैं हैदबी तोफिक व सल्ह नबीना महमद वली वबीही अजमैन मौजू के मुतल कोई स्वालत करिएगा सवाल एक कर रहे हैं कि आपने दीन की खिदमत का जिक्र किया तो मुराद क्या है दीन की खिदमत से मुराद ये है कि आप जहाँ कहीं भी दीन सिखाया जाता है जहां कहीं भी दीन की सरगर्मियां हैं उनसे जुड़ जाए खुद आपके सामने हमारा मरकज है आपके लिए, लिए अल्लाह ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है कितने ऐसे लोगों को हमने देखा है दीन की खिदमत करना चाहते हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कितने ऐसे यहाँ है चेन्नई में कितने ऐसे गिनाओ में आपको तो अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है एक जगह दी है और अल्लाह ने आपको गाइडलेंस दिया है और इलमी गाइडलेंस दिया है तो इन चीजों को गनीमत जानिए इन चीजों में आगे आइए इन चीजों में आगे आइए देखिए ऐसे काम में जिंदगी लगाने पड़ते हैं कि जो दिन का काम है इसमें जिंदगी लगाने पड़ती है नहीं कि भाई मैं चार दिन आऊंगा पांच दिन आओ नहीं आप जिंदगी लगाई यहां के असल हो जाइए उसके बाद आपका घर का काम करिए पहला आप अपना घर ये बना लीजिए आपका घर दूसरा घर वो जो है आप जहां रहते हैं इसी अंदाज से आप काम करेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं वरना जो है ये तो टाइम पास है वरना ऐसे ही तो बहुत से लोग आए चले गए तो हम जो दिन की खिदमत करते हैं वो इसी मुराद है कि भाई आइए आप मरकज़ से जुड़िए मरकज़ कामों के साथ रहिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें साथ रहिए और इसमें जो इल्मी हमारे जो सरगर्मियाँ हैं इसमें हमारे साथ रहिए यही हमारे कहने का मकसद है आलम सवाल एक कर रहे हैं कि हमारे माशरे में अचानक रमज़ान के बीच में एक शैतान की सरगर्मी शुरू हो गई हम तो हदीसों में पढ़ते हैं कि शैतान को बंद कर दिया गया है लेकिन हदीसों में यह भी है कि बाद जो सर्कस है उन्हें बंद किया जाता है हवाली मवाली छोटे चाकर जो होते हैं उन्हें तो खुला छोड़ा गया है तो उसका एक नमूना हमारे माशरे में अचानक से क्रिकेट की शक्ल में आईपीएल की शक्ल में नमूदार हो गया है लोगों के रमजान को बर्बाद करने के लिए लोगों की नमाजें को बर्बाद करने के लिए अचानक खेल व तफरी का माहौल पैदा हो गया है वो सीरियसनेस खत्म करने के लिए इन जालिमों ने हो सकता है कि प्लान के तहत उन्होंने इसका ऐलान किया हो मुझे तो यही नजर आ रहा है तो मैं उम्मत मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप ना उसे देखिए ना बाद लोग कहते हैं कि मैं देखता नहीं लेकिन स्कोर देख लेता हूँ है ना ना आप देखिए ना स्कोर देखिए ना उसका नाम सुनिए उसका नाम सुनते अवज बिल्ला पड़िए आप देखने की तो दूर की बार जैसे नाम सुनिए अवध पढ़िए क्योंकि नाम ही में आपका अट्रैक्शन होगा आप नाम सुनेंगे उसके बाद कहेंगे कि आज किसका मैच है उसके बाद कहेंगे कि पॉइंट्स टेबल क्या चल रहा है उसके बाद आप घोते जाएंगे खोते जाएंगे अब उसके बाद आप ये जो गैजेट जो रखा हुआ है उसमें आप एक वीडियो क्लिक करिए दो घंटे के बाद आपको रियलाइज होता है कि दो घंटे खत्म हो गए एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो दूसरे के बाद तीसरा वीडियो उसने क्या कहा उस जालिम ने क्या बका इस जालिम ने क्या कहा इसके पीछे आप जाते रहेंगे आपका पूरा वक्त जाया हो जाएगा रमजान है रमजान पता नहीं आइंदा साल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे इसका हर लम्हा कीमती है हम हमारे बड़ों से सलफुल सालिन से हमने ये पढ़ा है कि वो रमजान में हमेशा मसरूफ नजर आते थे रमजान चौबीस घंटा उनका मसरूफ रहता था उसमें रेस्ट उसमें रिलैक्सेशन इसका कोई तस्वुर था ही नहीं जी साती इसका हर लम्हा अहमियत वाला है और खास तौर पर इसकी मुबारक रातें हर लम्हा अहमियत वाली है ऐसे माहौल में ऐसे शैतान के साथ अगर कोई बैठता है तो मैं कहूंगा कि इस आदमी के ख्वाहिशात ने इस आदमी को दबा दिया है इस आदमी के ईमान को दबा दिया है अब यहां पर इसी को जिहाद कहते हैं कि आप, आप आप कहिए कि भाई मुझे मनपसंद चीज है लेकिन रमजान के लिए मैं इसी कुर्बानी देता हूं यही ईमान है यही इस्लाम है नहीं मैं कुर्बानी दे नहीं सकता मैं थोड़ा तो फिर आप चले गए खलास आप तो हार गए तो फिर आपसे क्या बातचीत तो अजी साथियों ये जो शैतान है जैसे ही नाम सुनते हैं आप बिल्ला कहिए है, इन चीजों को ना आप देखिए ना इन चीजों को पीछे पड़िए आप रमजान है आपका मुसहफ आपके साथ और आपकी दीन की बातें आपके साथ और घर की जो छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं इन चीज़ों में मसरूफ रहिए इसके अलावा कोई दूसरे चीज़ों में अल्लाह के लिए रमज़ान आपका ज़या मत करिए रमजान जया मत करिए इसका हर लम्हा बहुत ही कीमती है आप करोड़ा खर्च कर लीजिए इसे आप खरीद नहीं सकते वक्त जो होता है इसे आदमी खरीद नहीं सकता और रमजान की रातें इन मुबारक लम्हों को आदमी खरीद नहीं सकता तो इसलिए इस शैतान के पीछे हर किस्मत पढ़िए कीजिए, जिए पढ़िए और सही ट्रैक में वापस आइए सवाल सवाल ये कर रहे हैं कि आपने अब्दुल्ला बिन मसूद का कहा कि वो नबी वसल्लम की बहुत खिदमत करते थे इससे पहले हमने बिलाल अन्हु के तल्लुक से सुना कि वो भी नबी वसल्लम की खिदमत करते थे बिलाल अन्हु हो गए अनस बिन मालिक हो गए और दूसरे हो गए इनकी खिदमत नबी सल्लम के साथ मदनी जिंदगी में ज्यादा थी मदनी जिंदगी में ज्यादा थी मक्की जिंदगी में अब्दुल्ला बिन मसूद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और वो जब मदीना चले गए तो उसके बाद उन्हें मैंने बताया कि बड़े बड़ेदार हैं बड़े आदमी हैं बड़े जिम्मेदारियां चली गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें इन कामों में नहीं लाया उन्हें दूसरे काम दिए गए पढ़ाने का काम दूसरे जो है जक़ात कलेक्ट करने का काम फुलांकाम फुलां काम फलां काम इसमें मसरूफ थे तो इन कामों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बिलाल को बुला लिया कभी अनस अनस बिन बिन मालिक मालिक तो दस साल की खिदमत किए दस साल उन्होंने खिदमत की है इसके अलावा भी दूसरे साहबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे हुए थे आलम जी उनके उम्र के ताल्लुक से आता है कि साठ प्लस थे। कबूल का आप लगा लीजिए जब वो बत्तीस हिजरी में मफात पाए हैं तो फिर मक्के के जमाने के तेरह साल ये हो गए आपके पैंतालीस साल तो लगभग इनकी उम्र जब इस्लाम कबूल किए तो चौदह तेरह के आसपास रही होगी आलम जी हाँ पर्दे का हुक्म तो बाद में आया मदीने में परदे का हुक्म तो बाद में नबी सा जो है मदीने बयान करते हैं सवाल यह कर रहे हैं कि सुर फातहा के तल्ल से बाज़ मशाखे कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है बाज़ लोग कहते हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं है तो ये दो मुख्तलिफ राय हैं इनके दरम्यान कहल है आपको मैं पहले एक छोटी सी तमहीद बयान कर देता हूँ वो तमहीद ये है कि इस्लाम में बाज मुसलमत हैं उसमें दो राय नहीं जैसे अल्लाह की तोहद नबी सासम की सुन्नत इस्लाम के पाँच पिल्लर ईमान के छः पिल्लर ये इस्लाम की बुनियादें हैं इसमें दो राय नहीं जो कहा गया उस पर अमल बस इसके अलावा जैसे आपको मैंने कल बताया हमारी शरीयत में फ्लैक्सीबिलिटी है अब ये जो फ्लैक्सीबिलिटी है याद रख लीजिए इसकी बुनियाद भी दलील पर है अगर कोई आदमी अपनी राय पेश करता है दलील की बुनियाद पर तो उसे हम कंसिडर करेंगे अगर कोई आदमी राय पेश करता है उसकी दलील काबिल कबूल नहीं तो उसकी दलील को उसके चेहरे मार देंगे उसके ए, मतलब उसकी राय को उसके चेहरे में मार देंगे उसके राय की कोई अहमियत नहीं वो राय की अहमियत है जिसके पास प्रॉपर किताबों सुनने से दलील हो अब जिसके पास दलील है दलील के बुनियाद पर लोगों ने इतलाफ किया हमने इस, इन इख्तलाफा को क्या कहा दीन में, दीन में आसानी दीन में तहसीर इसी से अहल इल्मी ताबिर करते हैं ठीक है इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए आमतौर पर लोग इन इख्तलाफा को देकर घबरा जाते हैं इन इख्तलाफा को देकर घबराइए मत इसे समझने की कोशिश करिए अगर आपने नहीं समझा तो इसे अल्लाह की रहमत समझ के खामोश आ जाइए लेकिन इख्तिला कौन चा के दुकान में खड़ दो कुछ चार दिन हमें लोग कर ले तो समझ चलेगा ये सब है ना हम इख्त की बात कर रहे हैं अहले इल्म के दरमियान है ना और इसे समझने के लिए वफ़ लगेगा बहरहाल ये जो मसला आपने पेश किया इसमें इल्म ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुरन मेरे साथ फरमायान अगर कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को गौर से सुनो जिन लोगों ने कहा कि अगर इमाम के पीछे आप गए इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो इमाम को आप गौर से सुनो कुरान ने ही कहा है नबी एक हदीस में फरमाया है किताब उस आदमी की नमाज नहीं होती जिसने सूर्य फातिया की तिलावत नहीं की अब सवाल यह पैदा होता है कि नबी सा ने हदीस में ऐसा कहा कुरान में ऐसा है तो किस पर अमल करें तो बाज लोग जिन्होंने कहा कि भाई आप नमाज़ में इमाम के पीछे खड़े हुए हैं इमाम तिलावत कर रहे हैं उस तौर पर इस आयत पर अमल करिए अगर आप सिर्री नमाज़ में इमाम के पीछे खड़े हुए हैं अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें इस हदीस पर अमल करिए तो इस कुरान की आयत इस हदीस को जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है तो अगर आप इमाम के पीछे हैं इमाम सूरे फातिहा की तिलावत करते हैं इमाम कुरान पढ़ रहे हैं तो आप पीछे अल्लाह अकबर कहिए और उसके बाद खामोश रहिए अगर इमाम ने आपको मौका दिया सूर्य फातिहा पढ़ने के बाद जमजुरा पढ़ने से पहले थोड़ा मौका दिया तो उस मौके में पढ़ने की कोशिश करिए या तो फिर इमाम हर आयत को रोक रोक के पढ़ रहा है तो उसमें आप अगर आपको कोई गैप क्रिएट हो तो उस गैप में पढ़िए जैसे अलहद लबीआलम तो और जैसे गैप आपको मिला तो उस गैप में आप पढ़ लीजिए अगर इमाम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं आपको कोई मौका नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको पढ़ने का कोई मौका नहीं तो इसलिए आप गौर से सुनते जाइए ये इनशाला आपके लिए काफ़ी है यही अक्सर और बेशतर उलमा का यही फतवा है शेख अमितमिया और दूसरे अहिल का यही फतवा है अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं अगर आप सरी नमाज पढ़ रहे हैं जब इमाम खामोश है तो ऐसी सूरत में आपको सूर्य फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होती अल्ला देखिए आप ये पूछ रहे हैं कि रुको के बारे में यानी मतलब आप गए इमाम साहब रुको में चले गए आप रुको में उनके साथ शामिल हो गए आपको रकात मिली कि नहीं मिली उसी वही हुक्म है अगर आप इमाम के पीछे हैं रुको में आप शामिल हो गए आपने सूर्य फातिहा पढ़ा नहीं लेकिन आप इमाम के पीछे हैं तो आपकी नमाज हो जाती है आपकी नमाज हो जाती है सवाल ये कर रहे हैं कि अगर किसी जगह एक दिन पहले रमजान शुरू हो गया तो उनके लिए लहरा तो क्या है हमारे तो ताकरत हैं उनके लिए तो जुफरत हो गई हमको इस तल्लु से परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अजर मैं और आप देने वाले नहीं है अजर मैं आप देने वाले हैं क्या लहलाकदर तो हम और आप देने वाले नहीं है ये अजर तो अल्लाह देने वाला है हम इस तल्लुक से परेशान होने की जरूरत नहीं हमें जो बताया गया उस पर अमल करते जाए इंशाल्लाह बाकी बातें कल की मजलिस में सुहानी हमद कर्शद